हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस में, गुरुदेव रियल इस्टेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था ग्रेटर नोएडा की एक सीरीज को, जिसे मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। उस वीडियो में मैंने ग्रेटर नोएडा को मास्टर प्लान में, उसके साथ ग्रेटर नोएडा के जो सेक्टर की मैंने बात करी उसको लेआउट में, और उसके बाद वहाँ का मार्केट प्राइस सारी डिटेल बताने के साथ साथ वहाँ की डेवलपमेंट की वीडियो के साथ आपको दिखाया था। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से ग्रेटर नोएडा के एक सेक्टर को कवर करने वाले हैं, और यहाँ की सारी डिटेल्स के साथ ही हम ग्राउंड की डेवलपमेंट की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको ग्राउंड की डेवलपमेंट की वीडियो भी देखने को मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर Delta 2 की, जहाँ की सारी डिटेल्स हम देखेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। Delta 2 ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट दूसरा सेक्टर है। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास्टर प्लान में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे पड़ेगी। अगर हम मास्टर प्लान की बात करें तो यहाँ पे आपका Delta 2 की लोकेशन है। इस लोकेशन से अगर हम परी चौक के डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर का आसपास का डिस्टेंस आपको यहाँ से परी चौक का देखने को मिलेगा। साथ ही इसी लोकेशन के अगर हम नियरेस्ट मेट्रो की बात करें तो सेक्टर के नाम से ही डेल्टा के नाम से Delta 1 मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जो कि आपको बिल्कुल सेक्टर के पास में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके पास में पूरे में ही रेजिडेंशियल सेक्टर्स लगे हुए हैं, कोई भी किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल लोकेशन नहीं है इसके साथ। ये पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर से घिरा हुआ लोकेशन है। इसके सामने ही आपको पड़ेगा Eta 1। ईटा फर्स्ट से एडजॉइनिंग में जा रही है 130 मीटर वाली रोड, जो कि तिलपता गोल चक्कर को और इकोटेक एक्सटेंशन, जो कि आपका नोएडा एक्सटेंशन से बेसिकली आ रही है, एक मूर्ति और गौर चौक से सीधा आती है तिलपता गोल चक्कर होते हुए, और ईटा फर्स्ट कनेक्ट करके ये आगे नॉलेज पार्क फोर से आगे चली जाती है। तो इस रोड के बिल्कुल एडजॉइनिंग में पड़ता है ईटा फर्स्ट। ईटा फर्स्ट बिल्कुल लगा हुआ है Delta 2 से, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से लोकेशन आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल के लिए। अब हम चलेंगे इसके लेआउट पर। सबसे पहले साइजेस की बात करें तो यहाँ पे बस आपको सिर्फ दो ही साइज देखने को मिलेगा, 200 स्क्वायर मीटर और 120 स्क्वायर मीटर। 120 और 200 के ही साइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ये जो आप येलो देख रहे हैं, ये सारा ही आपका येलो वाले प्लॉट जो है ये आपके हैं 200 स्क्वायर मीटर के, और ये जो पिंक आप देख रहे हैं, पिंक वाले सारे जो लगे हैं ये हैं 120 स्क्वायर मीटर के। इस साइड में पड़ेगा आपका Eta 1 सेक्टर के एक साइड में, जो मैंने कि आपको बताया, और Eta 1 से ही 130 मीटर वाली रोड एडजॉइनिंग में है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रही है। और इस साइड में पड़ेगा आपका Delta 1। इस गोल चक्कर से थोड़ा आप जब आगे जाओगे तो आपको मिलेगा Delta 1 मेट्रो स्टेशन, जो कि इसका नियर मेट्रो स्टेशन है। दूसरी साइड है आपका Beta 2, यहाँ पे आपका CNG पंप आता है इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, शर्मा हॉस्पिटल यहाँ पे आता है। उसके बाद ये आपकी स्कूल के प्लॉट है, ऑलरेडी दो स्कूल यहाँ रनिंग में है, एक इस वाली लोकेशन में, एक इसी के पास यहाँ पे स्कूल रनिंग में आता है। साथ ही यहाँ पे अथॉरिटी ने इस फैसिलिटी में आपका कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है इस वाली फैसिलिटी में, और इस वाली फैसिलिटी में कमर्शियल मार्केट बनाकर दिया हुआ है अथॉरिटी ने। तो ये सारे डेवलप किया हुआ है, पार्क वगैरह बहुत अच्छी तरीके से डेवलप है यहाँ के, मेंटेन है, जो कि आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे काफी डेवलप्ड है पार्क सारे, रोड सारी डेवलप्ड है। और हम आपको जो रोड्स दिखाएंगे वो जो ये वाली रोड आप देख रहे हो बिल्कुल सेक्टर के बीचों बीच के 18 मीटर की रोड, यहाँ से ही सारा डेवलपमेंट दिखाएंगे सेक्टर का जो आप वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ के साइजेस की, रेट्स की।
120 स्क्वायर मीटर का रेट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लगभग आप मान के चलिए 1.45 CR रुपीज स्टार्टिंग प्राइस है किसी भी जनरल कंप्लीशन हाउस की, और 200 स्क्वायर मीटर की हम अगर बात करते हैं तो लगभग 1.80 CR रुपीज के आसपास स्टार्टिंग प्राइस है ये। बिल्कुल से जहां से इससे इस रेट से कम में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इन किसी भी सेक्टर्स में। तो ये सबसे जो लोएस्ट रेट होता है वो हमने आपको मेंशन करके दिखाया है। अब इसके बाद जो भी चीज़ें आती हैं वो अपनी कंडीशंस अपनी लोकेशन के हिसाब से अपने रेट पे आती हैं। कोई एक अच्छा कंडीशन का बना हुआ कंप्लीशन हाउस है, या वो रेंट पर हो, या फिर कुछ बना हुआ सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी जो भी साइज में चीज़ें बन के आ रही होंगी उनका अपना अलग रेट होगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ परचेज की इस लोकेशन पे। तो आप देखेंगे सर्कल रेट है यहाँ पे 44,850 रुपये पर स्क्वायर मीटर का। ट्रांसफर चार्ज की बात करें तो 1,121 रुपये पर स्क्वायर मीटर। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 5% की जाएगी। कुछ और भी इसमें मिसलिनियस चार्जेस होते हैं, पर जो मेन आपके जो मेन बड़े बड़े अमाउंट हैं जो जाएंगे आपके रजिस्ट्री में और ट्रांसफर पे वो यही होते हैं। इनके साथ कुछ मिसलिनियस चार्जेस भी जाते हैं। बैंक लोन इस लोकेशन पे और हर एक लोकेशन पे अथॉरिटी के जहाँ पे आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं आपको बैंक लोन इजिली मिल जाएगा, तो बैंक लोन आप करा सकते हैं। ये तो रही पूरी ओवरऑल डिटेल्स। अब हम बात करते हैं सेक्टर की डेवलपमेंट की वीडियो की जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है डेल्टा फर्स्ट मेट्रो स्टेशन जो इस सेक्टर के साथ एडजॉइनिंग में आता है। इधर जो आप देख रहे हो जो रोड से गाड़ियां आ रही हैं ये आ रही हैं डेल्टा 2 और डेल्टा 3 से। ये पूरी डेल्टा 1 के पास मेट्रो स्टेशन की जो गोल चक्कर पड़ता है वो है। ये आगे डिपो स्टेशन को गाड़ियां जा रही थी। ये डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन आगे पूरा डिपो स्टेशन तक जाता है। ये डेल्टा 2 का गोल चक्कर है। ये पूरा डेवलपमेंट है लोकेशन का। अब हम आगे हैं सेक्टर के अंदर में। जो मैंने आपको 18 मीटर की रोड बताई थी ये हम उसी 18 मीटर की रोड पे चल रहे हैं। एंट्री करते ही हमें स्टार्टिंग में ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शर्मा हॉस्पिटल जो मैंने आपको लेआउट में बताया था। ये 18 मीटर वाली रोड पे चलते ही शर्मा हॉस्पिटल आपको देखने को मिला। साथ ही इसी सेक्टर की इंटरनल रोड पे हम आगे चलेंगे तो दूसरा हॉस्पिटल है यहाँ पे आप देख सकते हो द होप हॉस्पिटल। ये हमें यहाँ पे देखने को मिला उसी लाइन पे। यहाँ पे आप आगे जब चलते हैं तो मैंने फैसिलिटी वाले पे आपको दिखाया था। ये कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। यह कम्युनिटी सेंटर है सेक्टर का। और इसी रोड पे कंटिन्यू आप आगे चलेंगे 18 मीटर की रोड पर। तो ये कॉमर्शियल मार्केट है। ये अथॉरिटी की बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है। इसमें अथॉरिटी ने पूरा कॉमर्शियल मार्केट बनाया हुआ है जो मैंने आपको आगे लेआउट में पीछे दिखा रखा था। अब इसी 18 मीटर की रोड पर हम आगे कंटिन्यू चलेंगे तो आप यहाँ से सारा डेवलपमेंट सेक्टर का देख सकते हैं। रोड वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। डेल्टा 2 की ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही आपने सेक्टर में इंटर किया आपको ग्रीनरी पूरे में दिखाई दे रही होगी। ये जो बिल्डिंग आप सामने में देख रहे हैं ये यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग है। बिल्कुल मेन रोड पे जो मैंने अंदर आपका 18 मीटर रोड पे स्कूल बताया था ये रामाज्ञा स्कूल है। स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं और एक इसी के साथ ही साथ और स्कूल साइड में यहाँ पे लगा हुआ है।
और ये एग्जिट गेट है, यहाँ पे एक कॉमर्शियल मार्केट भी है एग्जिट गेट से पहले ही, स्कूल के साथ कॉमर्शियल मार्केट है, फिर आगे आपका ये एग्जिट गेट है सेक्टर का, सामने ईटा फर्स्ट सेक्टर है इसी गेट के, ये सामने जो आप देख रहे हो ये तो सेक्टर की आउटर रोड है, और सामने में आपको ईटा फर्स्ट सेक्टर देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये हो गया पूरा सेक्टर। अब ये 200 मीटर की पूरी बेल्ट है जिसमें लोगों ने अपने कंस्ट्रक्शन करा रखे हैं, अपनी कोठियां बना रखी हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, आप यहाँ से सारी चीजें देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने चीजें बना रखी हैं अपनी यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं मकान में। ये देखिए आप, ये कोठियां लोगों ने बनाई हुई है, मेंटेन किया है उसे। ये पूरा 200 200 मीटर के प्लॉट की बेल्ट थी जो मैंने आपको दिखाई है, इस तरह से लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। कोठियां बनाई हैं लोगों ने 200 मीटर में अपनी। ये कह सकते हैं कि कुछ कंप्लीशन हाउसेज हैं जो एज इट इज ऐसे ही हैं। ये रामाज्ञा स्कूल था जो पीछे हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं आपको, रामाज्ञा वर्ल्ड स्कूल जो सेक्टर के अंदर ही आता है। ये पार्क है सेक्टर का, पार्क आप देख सकते हो यहाँ से किस तरह से डेवलप्ड है इन्होंने किया, बच्चों के खेलने के लिए झूले हो गए हैं, सीट्स हो गई, सारी चीजें यहाँ पे अथॉरिटी ने बहुत अच्छे से लगा रखी है, बनाया हुआ है पार्क, पूरे मेंटेन है। ये पूरा पार्क है जो कि काफी बड़ा पार्क है इस सेक्टर में। तो ये पूरी थी ओवरऑल वीडियो सेक्टर की डेवलपमेंट की जो मैंने आपको यहाँ से दिखाई है। ये था डेल्टा टू सेक्टर, जहाँ की आपने सारी डिटेल्स आज देख ली, समझ ली, करंट में आज की डेट का डेवलपमेंट देखा कि अगर आज आप यहाँ पे रहने के पर्पज से कोई चीज़ देख रहे हैं तो लेकर आपको किस तरह के लोकेशन पे रहना है, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। इस लोकेशन में परचेजिंग करने के लिए या फिर किसी और लोकेशन पे ग्रेटर नोएडा के आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं जिसमें 9873442971 मिस्टर नरेंद्र यादव सर का नंबर, 9667549002 ये नंबर है मिस्टर कपिल यादव सर का, 9958548641 ये नंबर है हमारा। आप इन तीनों नंबर पर कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे भी परचेजिंग करने के लिए या फिर किसी और लोकेशन में परचेजिंग के लिए या सेल परचेज से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा ऑफिस एड्रेस है AC14 पे अंसल गोल्डफिंग 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेस 40 ग्रेटर नोएडा, तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। साथ ही ये हमारा यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल इस्टेट, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ये सीरीज आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और हर एक सेक्टर की ग्रेटर नोएडा की आपको डेवलपमेंट की लोकेशन यहीं से घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, सेक्टर की सारी डिटेल्स भी। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह से नोटिफिकेशन बेल आप प्रेस कर लो तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए सेक्टर की डेवलपमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।